11 महीने पेमेंट में, तो हम खाना क्या, बच्चा को पढ़ाना क्या? गवर्नमेंट जब एक 10 साल से बजट रिलीज नहीं करे अफसर का, कैसा सरकार है? तो लोग बोलते हैं गाली दो महीने की, तो बजट ही नहीं, कितने दिन बजट नहीं हुआ अभी? हिंदू मुस्लिम का दोनों ईद हो गया, मगर ये लोग जो है पेमेंट देने को तैयार नहीं है। हम फोन ही नहीं उठा रहा, हम फोन लगा रहे गवर्नमेंट अगर दया मारे तो दुर्दाई पगार ले दो इधर। This video present by Mannur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bare Hill Circle Ring Road, Gulbarga. गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में जो है सोशल हेल्पर जो हॉस्टल्स है उसमें जो काम करने वाले हैं हमारे आउटसोर्स लोगों को 7-8 महीने से जो पेमेंट बाकी है। बड़ा ईद दसरा हुआ और जो है ना ईद भी हो गया, दोनों हिंदू मुस्लिम का दोनों ईद हो गया, मगर ये लोग जो है पेमेंट देने को तैयार नहीं है, फुर्सत नहीं है। जो बिल बनाते हैं उनको जो इनकम मिलता है उसको जल्दी बिल बना के वो कैसा उठाना पैसे उनको मालूम है, हमारा लोगों को पेमेंट करे तो उसको कुछ मिलने वाला है क्या भी नहीं है बोल के अभी तक नहीं करे। अभी जो दसरा ईद जो हम मनाने को कुछ भी नहीं है, परेशानी में है, खर्चा कोविड में जो परेशान हो के दुनिया का खर्चा हो गया, अब आगे कोई भी खर्चा भी नहीं देने वाला नहीं है, इस वास्ते परेशान है। और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जब एक 10 साल से बजट रिलीज नहीं करे आउटसोर्स का, कैसा सरकार है? माइनॉरिटी में जो काम करने वाला है ये लोगों का बहुत परेशान हो गया। अभी तक हम स्ट्राइक करें 15 दिन पहले भी करें, अब ईद को हम पेमेंट सैलरी डालेंगे बोले, अभी तक जो है ना सैलरी नहीं डाले। स्वास्थ्य आज हमारा डिमांड है जो पूरे माइनॉरिटी और सोशल हेल्पर दोनों का पेमेंट देना, वही BCM का पेमेंट सीधा हो गया, पहले BCM का नहीं होता था, अब BCM का कंटिन्यू हो रहा। अब ये दो डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले लेबर, एक का 5 महीने है, एक का 6 महीने है, एक का 10 महीने, एक एक साल तक बाकी है। स्वास्थ्य वो अर्जेंट जो है ना ये जो सैलरी देने का है डालना, और PF बहुत लोगों का लेबर है, PF भरना, हर एक को ESI कार्ड देना, कुछ भी हो गए तो हॉस्पिटल गए तो ESI कार्ड चालू नहीं है हमारा लोगों का, चुप नाम के वास्ते सैलरी में डिडक्शन होता मगर वो PF कार्ड नहीं दिए, अब पूरे लोगों को PF कार्ड भी देना बोल के हमारा डिमांड है। अभी ये प्रोटेस्ट आज करके बता रहे, नहीं अगर नहीं 3 दिन में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो तो पूरा जो है ना पूरे हॉस्टल लॉक करके, हॉस्टल बंद करके यहाँ आके सोशल हेल्पर का सामने हम धरना करेंगे बोल के ये जो प्रोटेस्ट से हम सरकार को इंफॉर्मेशन देते हैं। तो हम मैं बोल रहा हूँ कि 11 महीने वहाँ हमारी पेमेंट नहीं है, तो रमज़ान में भी डाले नहीं आपके सारी ही, तो अभी उन्होंने 2 महीने की गए सप्ताह, हम स्ट्राइक कर रहे थे 15 दिन के पहले, तो उन्होंने क्या बोले 15 दिन में डालते हूँ बोले, तो 2 महीने का गया करते, वो टेंडर वाला क्या है मतलब मालूम है, उन फोन ही नहीं उठा रहा, हम फोन लगा रहे नहीं स्विच ऑफ करके रख रहा, तो हम किसको पूछना पेमेंट नहीं सो। DO सर क्या बोलते, मैं लिख को दी हूँ 2 महीने की, तो उन्होंने डाल रहा तो हम क्या करना, तो प्रॉब्लम हमारे को है नहीं, टेंशन, तो 11 महीने पेमेंट नहीं, तो हम खाना क्या, बच्चों को पढ़ाना क्या, वो टेंशन। और एक तो हम आदमी काम नहीं करते, पर हम काम करना पड़ता, तो पेमेंट ही नहीं तो मतलब क्या है हमारे को काम करना। 11 महीने से जनवरी से पहले जब से अभी तक पेमेंट ही नहीं हमारी, तो कितना प्रॉब्लम हो रहा है हमारे को, तो उसके लिए हम हॉस्टल में और पका को ही, अब और बंद रह के तो बहुत प्रॉब्लम होते हैं बच्चों को, अब हम एक टाइम खाना बना को ही, फिर अब जाकर और खाना बनाना, तो हम रात दिन काम कर रही हैं लेकिन पेमेंट ही नहीं, तो कैसा करना हो। आप DO सर को भी बात करें तो उन्होंने बोलते हैं डाली 2 महीने की, तो बजट ही नहीं, कितने दिन बजट नहीं हुआ अभी, तो मतलब 1 महीना 2 महीना चलता, तो 11 महीने एक एक साल पेमेंट नहीं, तो हम बच्चे के स्कूल पढ़ाई क्या करना, फिर खाना क्या, आप उन क्या करना बोलो, आप वो दूसरे के पास पैसे ली, आप पेमेंट आती उसको देती, फिर हम खाना क्या, वो ऐसा है टेंशन, बहुत टेंशन हुआ। परसों भी स्ट्राइक करे, उन्होंने क्या बोले 15 दिन में तुम्हारे को आती पेमेंट 3 महीने की बोल को बोले, अभी 3 महीने की भी नहीं, 2 महीने की भी नहीं, अभी कुछ भी हाइज नहीं पेमेंट ही, तो वो जरा तुम फिर भी जरा कोशिश करो कि अब हमारे रमज़ान को नहीं डाले, बकरीद को नहीं डाले, अभी आने वाली हमारी 11वीं है, अभी 1 महीना 1 हफ्ता अच्छा है, अभी 11वीं समझो एक अगले महीने में, तो जब तो भी कोशिश करना नहीं, डाले तो डाले 4 महीने 5 महीने की तो डालना नहीं, 1 महीना 2 महीना बोल मतलब क्या हुआ, वो ले वो पेमेंट, तो 1-5 महीने की तो डालना पेमेंट समझो, वो भी नहीं कहते खाली 1 महीना 2 महीने, अब 3 महीने की डालेंगे तो 1 महीने कट कर देंगे, फिर 2 महीने की डालती गए, फिर 2 महीने की मतलब क्या है ले को वो पेमेंट, हाँ मतलब क्या है 2 महीने की, नहीं रेशमा है, अलन से आई हम, रेशमा है, तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से आए, तो 11 महीने हमारे को पेमेंट ही नहीं है।
ಏಳು ತಿಂಗಳಾಯ್ತ್ರಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಪಗಾರ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸಂಸಾರ ಹೆಂಗೆ ನಡಿಬೇಕು, ಬರೀ ದುಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕಾರ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣದವ್ರು ನಮ್ಮ ಪಗಾರ ಹಾಕ್ಲಾಕಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಮಕ್ಕಳು ಪ್ಯೂಸು, ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಗಂಡ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ನಡೆಯಲಾಗ್ಯದ್ರಿ ಸರ್, ಏಳು ತಿಂಗಳಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೆಂಗೆ ಬದುಕಬೇಕು. ಆಫೀಸರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಫೀಸರ್ಗಳು? ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆತದಮ್ಮ ಆತದಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, 3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, 4 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸರ್, ವಾ ತಿಂಗಳ ಇದೆ ಹೇಳ್ಕೊತ ಇರ್ತಾರೆ, ಪಗಾರ ಆಗಲ್ಲಾಗ್ಯದ್ರಿ ಸರ್. ವಾರ್ಡನ್ ಸರ್ ಬಿ ಆದರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಗಾರ ಆಗಲ್ಲಾಗ್ಯದ, ಪಗಾರ ಆತದಮ್ಮ ಆತದಮ್ಮ ಅಂತ ದುಡಿಸ್ಕೊತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಗಾರ ಆಗಲ್ಲಾಗ್ಯದ್ರಿ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣದವ್ರು? ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪುಕ್ಷಟೆ ದುಡ್ದೋಗ್ಬೇಕಾ, ಬಡವ್ರು ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಗಾರ ಸರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮದು ಏನೂ ಇಲ್ಲರಿ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಸರ್, ಹಬ್ಬದಾಗ ಭೀ ಆಗಿಲ್ಲರಿ ಸರ್, ಹಬ್ಬ ಇಲ್ಲರಿ, ಈಗ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ 2ನೇ ತಿಂಗಳು ಚಾಲು ಆಯ್ತು ಸರ್, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಏನಿಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರು ದಯ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ದುಡ್ಡು ದಯ ಪಗಾರಲಿದ್ದ. ಇದು ಹೆಸರು ಭೀಮ್ ಬೈರಿ ಸರ್.